गया के इमामगंज में लॉकडाउन पूर्ण रूप से अनलॉक भी नहीं हुआ कि बाजार में कोरोना महामारी की समाप्ति समझते हुए लोगों की भीड़ लग रही है। समाज के शुभचिंतक कमाल खान बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, इमामगंज बाजार में जगह जगह पर अतिक्रमण लगा है, जिसके कारण देखते देखते वाहनों की कतारें लग जाती है, जिससे घंटों आवागमन बाधित रहता है। विशेषकर डुमरिया मोड़ पर यह नजारा देखने को मिलता है, लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल अनजान बने हुए है। वो भी उस भीड़ से गुजरती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेते। हद तो यह हो गई कि सवारी से ज्यादा ऑटो डुमरिया मोड़ को जाम कर देती है। आपको बता दें कि वैसे लोग भी ऑटो चला रहे हैं, जिनके पास ऑटो चलाने के लिए कोई भी अथॉरिटी अनुज्ञप्ति नहीं है और ना ही उन्हें ट्रैफिक नियम की जानकारी है, जिसके कारण दुर्घटना की भी संभावना बनी होती है और पार्किंग में अनियमितता भी देखी जा रही है, जिसके कारण काफी भीड़ लगती है। इमामगंज पुलिस प्रशासन द्वारा अगर इन सब पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आमजन के साथ साथ आपातकालीन सेवा भी इस जाम की शिकार बनती रहेगी। बीटी न्यूज़ बिहार के लिए गया से आशीष कुमार की रिपोर्ट। आप पुलिस प्रशासन को दोष नहीं दे सकते इसमें, कहीं ना कहीं आप हमारे सीओ साहब का भी दोष है कि सीओ साहब को इसको ध्यान में सोचना चाहिए। और यह अतिक्रमण का ज़्यादा समस्या है यहाँ पे, काफ़ी पूरे आप डुमरिया मोड़ से लेकर के पूरा यहाँ होम देख लीजिए तो लंबा जाम लग जाता है, और एक नहीं कई बार, मतलब लगभग दिन भर में हमको लगता है कि दो तीन बार लग ही जाता है। तो इसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। ऑटो की समस्या ज़्यादा रहती है, क्या कि ऑटो वाले बेतुके तरह से घुसा देते हैं गाड़ी के भी। इसके लिए पुलिस प्रशासन से मैं आपके चैनल से एक आग्रह करना चाहूँगा कि दो तीन जगह अगर यहाँ पे गार्डिंग मिल जाए पुलिस की, तो ये खास के जब जिस प्रकार से टेम्पू वाले बदमाशी करते हैं उनके लिए अच्छा होगा। जैसे डुमरिया मोड़ पर एक ज़रूरत है वहाँ पर प्रशासन की, वहाँ पे काफ़ी जाम लगता है, टेम्पू वाले जिधर तिधर घुसा देते हैं। और एक जगह आपको जहाँ पे CSBI है, आपको चौराहा देख रहे हैं, वहाँ पे ज़रूरी है निश्चित रूप से। अतिक्रमण का भारी समस्या है जिस प्रकार से, इसमें हमको लगता है कि काफ़ी, मतलब इससे जयकिशन बाबू को वीडियो को ही सोचना चाहिए कि वहाँ पर से हटाया जाए। यहूँ अतिक्रमण है, आप देख लीजिए डुमरिया मोड़ से लेकर लगातार रानीगंज तक चले जाइए, यहूँ अतिक्रमण ही अतिक्रमण मिलेगा आपको रास्ते में। कहीं कोई लगा रखा है, कहीं कुछ लगा रखा है। सोशल वर्कर कमाल खान।